Telangana Blind Judo Team participating in 10th Blind and Deaf National Judo Championship, which is held at KD Singh Baba Stadium in Lucknow from 18 to 22nd March 2021. Following players are Sub-Junior Mohammad Rizwan, Junior Abid Qureshi Sheikh Sohail, Senior Hassan Ali Bawazir, Zubair Qureshi, Umed Nagraj, Mohammad Ibrahim, Coach M.S. Attar Faruqi, Manager Ibrahim Mohammad Ayub, organizing by M.A. Aziz and all association members.
आइए दोस्तों अभी देखते हैं चंदूलाल बारादरी ओआईसी कॉम्प्लेक्स में जो जूडो क्लास हमेशा से चलता है, यहाँ से कई बच्चों के नेशनल इंटरनेशनल ये अजीत सर के जो एमए अजीत यहाँ के जो कोच है सीनियर कोच इंटरनेशनल कोच इनके सदारत में जो बच्चों को नेशनल इंटरनेशनल और कोई लड़का यहाँ से इंग्लैंड में भी सेलेक्ट हुआ है। अभी ये बच्चों से बात करेंगे और ख़ास बात क्या है, ये बच्चों को दिखाई नहीं देता, ये लोग देख नहीं सकते, ये लोग ब्लाइंड पर्सन है, ये लोग वहाँ नेशनल भी है इंटरनेशनल भी है। ये क्लास से ये चंदूलाल बारादरी से कई ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयरों को दिए हैं एम ए अजीत साहब, उनसे भी बात करेंगे। अभी तो हम ये प्लेयर जो सेलेक्ट हुए लखनऊ में जाके ये लोग नेशनल खेलने वाले हैं, यहाँ के नेशनल में कई लोग हैदराबाद में जब हुआ था ये लोगों को नेशनल गोल्ड मेडल भी मिला है, किसी को ब्रॉन्ज है, पूछेंगे ये लोगों को। आपका नाम? मेरा नाम हसन अली बाबाजी है। हाँ जी, मैं 2009 से जूडो करता हूँ, कंटिन्यू बैक टू बैक मेरे ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे 8 गोल्ड है, 1 ब्रॉन्ज मेडल है। लास्ट ईयर जो हुआ था अपने एलबी स्टेडियम में नेशनल हुआ था -60 में, लास्ट ईयर जो नेशनल हुआ था वहाँ पे ऑल इंडिया नेशनल चैंपियनशिप जो हुई थी एलबी स्टेडियम में, वहाँ गोल्ड मेडल मिला मुझे और वहाँ पे बेस्ट जूडो का अवार्ड भी मिला और वहाँ से इंटरनेशनल के लिए भी सेलेक्ट हुआ मैं। बट लॉकडाउन के कारण नहीं जा सके हम लोग, 9 अप्रैल को लंदन ब्रिटेन जाना था हम लोग को मगर वहाँ नहीं गए, लॉकडाउन की वजह से वो पोस्टपोन हो चुका है। अभी जो नेशनल को जा रहे हैं हम लोग कल लखनऊ के लिए निकलेंगे, 18-22 मार्च जो होगा लखनऊ केडी सिंह बाबू स्टेडियम में होगा, वहाँ पे इंटरनेशनल का भी सिलेक्शन होगा और ओलंपिक का सिलेक्शन भी होगा वहाँ पे जहाँ पे नेशनल हो रहा है, वहाँ से फिर उसके बाद इंटरनेशनल के लिए हम लोग जाएंगे जकार्ता, इंडोनेशिया भी जाएंगे, वहाँ से उज्बेकिस्तान में भी है और जो इंग्लैंड में होने वाला है इप्सा टूर्नामेंट जो होने वाला है ओपन टूर्नामेंट, उसमें भी इंशाल्लाह मैं सेलेक्ट होऊंगा और अपने इंडिया के लिए मेडल लेके आऊंगा। गवर्नमेंट से यही गुजारिश करता हूं कि वो हम लोग को हेल्प करे, हम लोग का जितना भी खर्चा है जाने का आने का वो हमारे अजीत सर लगाते, जितना भी अभी तक हुआ है नेशनल्स जितने भी नेशनल्स हुए जाने का ट्रेन का टिकट्स और हम लोग का कॉम्पिटिशन का सब जो है हमारे अजीत सर करते हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब से, असदुद्दीन अवैसी साहब से और केसीआर साहब से कि हम लोग को हेल्प करें और इंटरनेशनल के लिए आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें और हम लोग के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लोग को कुछ करें कि हम लोग आगे हम लोग को जॉब मिले और हम लोग इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट होके खेलने जाए, वहाँ पे हम लोग को सपोर्ट मिले तो हम लोग को बहुत अच्छा रहेगा और इंडिया के लिए मेडल और हमारे हैदराबाद के लिए मेडल और तेलंगाना के लिए मेडल भी ला सकेंगे। यही गुजारिश है गवर्नमेंट तेलंगाना से कि हम लोग को हेल्प करें और आगे हम लोग को बढ़ने के लिए हम लोग की हेल्प करें। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद आबिद कुरैशी है। कब से करते आप जूडो प्रैक्टिस? मैं 2013 से खेलता हूँ। अभी आप खाली ये प्रैक्टिस करते हैं और पढ़ाई भी करते क्या? नहीं, मैं इंटरमीडिएट सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया है। इंग्लिश मीडियम? नहीं, इंटरमीडिएट उर्दू मीडियम। उर्दू मीडियम से इंटरमीडिएट कर रहे हैं आप? जी। अभी कहाँ जाने वाले हैं आप? मैं अभी लखनऊ जाने वाला हूँ। अच्छा, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता? आपको मुझे ऐसे ही 20% दिखाई देता है। 20% दिखाई देता है जी। ओके कुरैशी साहब, अभी नेक्स्ट जी आए मुझे लास्ट टाइम एलबी स्टेडियम हैदराबाद में गोल्ड मेडल आया 50 किलो में, मेरे पास 2 ब्रॉन्ज 1 सिल्वर और 1 गोल्ड मेडल है जी। वेद भाई जी, कितने बार आप नेशनल को जा चुके हैं अभी तक, कितने टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करे आप? मैं 3 3 पार्टिसिपेट। मेडल्स आए आपको कुछ? हाँ, 1 ब्रॉन्ज है। अच्छा जी, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता? नहीं, मेरे को कुछ भी ना दिखाई देता। 10% भी नहीं, 5% भी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप अजीत सर के पास? मैं 2015 से कर रहा हूँ प्रैक्टिस। यहीं स्टार्ट करें या कहीं दूसरी जगह भी स्टार्ट? यहीं पे करा, यहीं से स्टार्ट हुआ आपका जी। आप पढ़ रहे का कुछ? हाँ, मेरा भी रिसेंट इंटर कम्प्लीट हुआ उर्दू मीडियम से। उर्दू मीडियम से जी। ओके थैंक यू जी। नेक्स्ट मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम भाई ఎప్పటి నుంచి చేస్తారు మీరు ప్రాక్టీస్? నేను ఇది 3 ఇయర్స్, ఇది రీసెంట్లీ 3 ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నా. ఫస్ట్ నేషనల్ నాది గోలఖ్పూర్, సెకండ్ నేషనల్ నాది తెలంగాణలో బ్రౌన్స్ వచ్చింది, అయితే థర్డ్ నేషనల్ ఇప్పుడు ఆడవానికి పోతున్నాను. చందులాల్ బారాదరి క్లాస్లోనే చేసిన? ఇక్కడనే మాకు సెకండ్ నేషనల్ నాకు 2 మంత్స్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు సార్, నాకు ఎంఏ అజిత్ సార్ గారు, వాళ్ళ ధన్యవాద్ అనుకుంటాను. తనను ఓన్గా పెట్టుకొని తననే మాకు సహకరించిండు. మీకు నేషనల్కి పోవడానికి ఖర్చులు అవన్నీ గవర్నమెంట్ ఏమైనా సపోర్ట్ చేస్తుందా మీకు? ఇంతవైతే ఏం లేదు సార్, మాకు హజీ సారే మొత్తం ఓన్ తననే ఓన్ ప్యాకెట్తోనే పెట్టుకొని తననే తీసుకుపోతాడు, మొత్తం రికమెండేషన్ అన్నీ తననే చూసుకుంటాడు మాకు.
గవర్నమెంట్ నుంచి ఏమైనా సహకారం కావాలనుకుంటున్నారా? నాకు మెరిట్స్ నుంచి జాబ్స్ అని ఇవ్వాలని అవకాశం అడుగుతున్నాను. మీ ఎడ్యుకేషన్ ఎంత ఉంది? డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్. డిగ్రీ ఇంగ్లీష్ మీడియం? Yes sir. Good English. Yes sir. मेरा नाम मोहम्मद जुबैर कुरैशी है. कुरैशी भाई अभी बात करें साथ ना? जी हाँ. कुरैशी भाई जी, आप भी जूडो प्रैक्टिस करते हैं? आप यूनिफॉर्म में नहीं है? जी हाँ, मैंने यूनिफॉर्म अभी चेंज किया. अच्छा. यस, मैं भी जूडो प्रैक्टिस करता हूँ. 2014 से करता हूँ. 2014 से करता हूँ. अच्छा. हमारे कोच एम ए अजीज सर. तो 2014 से आप प्रैक्टिस करते हैं? जी हाँ. अभी कितने नेशनल खेले हैं? अभी तक मैं 8 नेशनल खेल चुका हूँ. 8 नेशनल्स? जी हाँ. 8 बार नेशनल जा चुके? जी हाँ. कितने मेडल आए आप? अभी तो मुझे कुछ भी मेडल नहीं लगा, मैं मेडल की तलाश में हूँ. अच्छा जी. अभी कहाँ पर जा रहे हो आप? अभी हम लखनऊ जा रहे हैं. लखनऊ? जी. कब से कब तक है आपका टूर्नामेंट? टाइमिंग क्या है आपका? कौन से दिन जाना है आपको? रिपोर्टिंग डेट क्या है आपका? हमारा टूर्नामेंट है 18 to 22 तक. रिपोर्टिंग कब है आपका? हमारा रिपोर्टिंग है 18 के दिन. आपके साथ कौन से कोच आ रहे हैं? हमारे सर आ रहे? जी हाँ बिल्कुल, हमारे साथ अजीत सर आ रहे हैं. यहाँ के सीनियर प्लेयर नोमान, जो इनके साथ में ब्लाइंड बच्चों के साथ में ट्रेनर भी है और उनके मैनेजर भी समझ सकते हैं, कोच भी है इनो, उनके साथ बच्चों को लेके जा रहे हैं. देखेंगे अभी कैसा बच्चों को लेके किस तरह से जा रहे, क्या है आपका नाम? मेरा नाम नोमान फारूकी, मेरा फुल नेम मोहम्मद अब्दुल सत्तार फारूकी है. मैं नेशनल प्लेयर हूँ. स्टेट्स डिस्ट्रिक्स खेला हुआ हूँ अभी तक. तीन नेशनल है, 3 नेशनल गोल्ड मेडल है मेरे को. स्टेट्स में है, 7 स्टेट्स खेला हुआ अभी तक मैं. बस आप लोगों की है. फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपका? फ्यूचर प्लानिंग अभी तो चल रही तैयारी, बस अगर मौका मिला तो खेला, इंडिया खेलने का है. चांस अगर मिला तो बराबर खेलूँगा, पार्टिसिपेट करूँगा. अभी तो चांस लेके खेलेंगे. बस ऊपर वाला मौका दिया तो बराबर खेलेंगे. कोशिश जारी रही बस है, कोशिश जारी है. बस सही है बच्चों के वास्ते. ये टीम जो लखनऊ जा रहा है, ये वो टीम के मैनेजर है, अच्छे प्लेयर है इन्हों जुड़े के, बहुत सारे मेडल्स आए इनको. अपोनेंट इनको देख के पहले हट जाता बाजू, बाद में उनके कोच लेके आके हिम्मत दे के इनसे लड़वाते. बोल के बच्चों का कहना है. अभी आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम अली. मोहम्मद इब्राहिम भाई, आपको कितने गोल्ड मेडल आए अभी तक? मेरे को 3 गोल्ड है, 4 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज है. 3 गोल्ड है, वेरी गुड. अब टीम मैनेजर बन के जा रहे हैं? जी. कब है आपकी रवानगी यहाँ से? कल है इंशाल्लाह. कल? जी. कल कब जाएंगे? कल 9 बजे ट्रेन है नामपली रेलवे स्टेशन. नामपली रेलवे. ये मोहम्मद अयूब साहब है, फिजियोथेरेपी डॉक्टर है. अगर खेल कूद में अगर कुछ डिसलोकेशन ऐसा कुछ मोंडे वोंडे सरक गए करे तो इमीडिएट वहाँ ठीक करने के लिए एक डॉक्टर साहब को भी भेज रहे हैं यहाँ के, हमारे एम ए अजीज कोच साहब. देख सकते हैं बच्चों का कितना केयर लेते हैं साहब. साहब बोलिए आप किस तरीके से केयर लेंगे बच्चों का, कैसा? बच्चों का तो हर हाल से केयर लेना चाहिए. हम चाहते हैं कि स्टेट को मेडल आए, बच्चों को मेडल आए, चाहे वो ब्रॉन्ज हो या गोल्ड हो या सिल्वर हो, देश का नाम रोशन हो. हमारे अजीज सर, एम ए अजीज सर, उनका नाम रोशन हो. और जो भी मेडल आएगा आज उसको हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगे और फ्यूचर में भी कुछ और आगे अच्छा कुछ कर सके, ताकि स्टेट का नाम हो, हमारे सर एम ए अजीज सर का नाम हो और सबका भला ही हो. अभी हम एम ए अजीज सर से बात करेंगे. ओलंपियन हैं, 6 डन गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल प्लेयर, इन्होंने 3rd डन ब्लैक बेल्ट और कई वर्षों से कई अच्छे अच्छे प्लेयरों को दिए हैं यहाँ से, हैदराबाद से. अभी भी आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर नन्हे से बच्चों को भी, जो 4 साल 5 साल भी पूरे नहीं हुए, वो बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं. बहुत इंटरेस्ट बताते हैं स्पोर्ट्स में. उसी तरह इनके बच्चे भी अच्छे मेडल, अच्छा नाम कमा चुके हैं कई जगह जाकर. एक बार अभी एम ए अजीज सर से एक बार बात करेंगे. सर बोलिए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम. ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है जो इतनी कामयाबी दे रहा है. हम सबको, अपने तेलंगाना को, एपी को. कई बच्चे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर को मैं बनाया हूँ और ब्लाइंड बच्चों को जब मैं ओलंपिक को में जो एज ए ऑफिशियल गया था तो उसमें मैं देख के आने के बाद मैं भी इधर आके तेलंगाना में स्टार्ट किया ब्लाइंड बच्चों को ट्रेनिंग देना, जिसमें
अभी तक ये अब 8-10वां नेशनल है अब जो होने जा रहा है, जो लखनऊ में फर्स्ट नेशनल हुआ था लखनऊ में, उसमें ओवरऑल चैंपियनशिप आई थी अपने को, 18 बच्चों को मैं बनाया था, ट्रेनिंग दिया था, जिसको जाके बच्चे 18 में से 17 बच्चे मेडल लिए थे, उसमें 10 गोल्ड 4 सिल्वर बाकी के ब्रॉन्ज आए थे। तो ओवरऑल चैंपियनशिप अपने को आई थी वहाँ पर लखनऊ में, उसके बाद अभी फिर जा रही है लखनऊ की टीम नेशनल के लिए, और कई बच्चे अपने पास के इंटरनेशनल बने हैं। यही ब्लाइंड में इरफान हाशमी जो मर गया, इरफान मोहम्मी, उसको भी वर्ल्ड में ब्रॉन्ज मेडल आया था अपने पास के, यहाँ के बच्चे को सालार एमिनेंस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस करता है वो, और नागराज उसको भी ब्रॉन्ज आया है, और हसन बाब वजीर भी ओलंपिक के लिए सेलेक्ट हुआ था, ये कोरोना की तरफ से ओलंपिक कैंसिल हो गया जो लखनऊ जो जापान में होने वाला था, टोक्यो में कैंप में था वो लड़का, अभी नेशनल्स को जा रहा है, इंटरनेशनल फिर सेलेक्शन है, और हमारा जीएसएमसी की तरफ से जो इतना हम लोगों को प्रोवाइड किए सालार एमिनेंस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, अवेजी साहब का, असद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जितना हम लोगों को हेल्प करना है आप लोग तेलंगाना गवर्नमेंट से हेल्प दिलाइए, ये बच्चों को ब्लाइंड बच्चों को जो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है उनको ब्लाइंड कोटे में आप जॉब दिलाइए सर, कि मेरी रिक्वेस्ट है मेरा कि एनी क्लास का बच्चा, अबे रामाराव है, शिवा है, और वेंकटेश है, हसन है, और आबेद कुरैशी है, और नागराज है, कई बच्चे हैं जो नेशनल इंटरनेशनल मेडल्स है जो जाके मेडल लेके आए, उन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, ब्लाइंड बच्चों को जॉब देने से उन लोगों का और उनको इम्प्रूवमेंट आएगा, और कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करेंगे। अभी जो टीम जा रही है 8 जनों की टीम जा रही है अपने यहाँ से सालार में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से, हमारे गफ्फार साहब है, दूसरे यहाँ के करता धरता है, उन लोगों का सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, उनकी तरफ से यहाँ इतने बड़ा स्टेडियम है, ये छोटे छोटे बच्चे आते हैं ट्रेनिंग के लिए, 75 बच्चे हैं, बच्चे गर्ल्स बॉयज़, और हमारे पास की नन्ना भी है, उन्हें भी नेशनल मेडलिस्ट है यहाँ की, नेशनल या कई कई बार नेशनल खेली है, और दूसरे भी गर्ल्स आते हैं, मैं खुली खुशा स्टेडियम में भी ट्रेनिंग देता हूँ, वहाँ पर भी कई बच्चियाँ वहाँ से नेशनल प्लेयर पर बने, नेशनल इंटरनेशनल बने। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तेलंगाना गवर्नमेंट से कि बच्चों को कुछ स्पोर्ट्स कोटे में कुछ करें जूडो के लिए, और ये ब्लाइंड बच्चों के लिए ख़ास तौर से ब्लाइंड बच्चों के लिए कुछ करें। मैं 2013 से अपने जेब के पैसों से लगा के एसोसिएशन चला रहा हूँ, उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और उन लोगों को नेशनल को भेजा रहा हूँ, उन लोगों को किट, जाने आने का खर्चा, ट्रेन का खर्चा, आने का जाने का हर चीज़ हम लोग एसोसिएशन की तरफ से पे कर रहे हैं, हमारा कोई सिंगल मनी गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिला, और हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कुछ ऐड दे या कुछ संस्था आगे बढ़ के कुछ हम को सपोर्ट करे तो हम उन लोगों का थैंकफुल करेंगे, और हम ऐसे कई बच्चों को मैं बनाने की मेरा प्लानिंग बहुत है कि बच्चे अपने तेलंगाना के इंटरनेशनल लेवल नेशनल लेवल में जाके तेलंगाना का नाम इंडिया का नाम रोशन करे। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे ये टीवी वालों का जो आके आप बच्चों को इंकरेज करने के लिए, राज टीवी की तरफ से जो आके आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी थैंकफुल करता हूं मैं, मीडिया का हमारे राजकुमार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, उनकी बच्ची भी नेशनल मेडलिस्ट है, नेशनल प्लेयर है, अब पुलिस के लिए भी तैयारी कर रही है वो, ऊपर वाला चाहा तो उसको भी जॉब मिल जाएगा। थैंक यू सर। अजीत सर का ये कहना है पूरा खर्चा हम मेरे खुद ही से उनके खुद ही से खर्चा लगा के बच्चों को नेशनल इंटरनेशनल तक ले जा रहे, अगर इसमें थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का भी साथ हो तो और भी बच्चों को तैयार कर सकते हैं, और भी बच्चों को अच्छा भविष्य देने का कोशिश कर सकते हैं। इनकी गुजारिश है कि तेलंगाना गवर्नमेंट जो भी है गवर्नमेंट के तरफ से इनको इनकी सहायता किए जाए,